नाबालिग बच्चे के मर्जी के खिलाफ परिवार वाले ने 60 साल के बुजुर्ग के साथ कराई शादी। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के एक मंदिर में एक 13 वर्ष की नाबालिग लड़की से एक 60 वर्ष के बुजुर्ग की शादी कराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के मधुबन गाँव के एक दंपत्ति ने अपने 13 वर्ष की नाबालिग बेटी की शादी एक 60 वर्षीय बुजुर्ग से जबरदस्ती करा दी है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाबालिग लड़की बार बार अपने माता पिता से शादी नहीं कराने की गुहार लगा रही है, जबकि युवती के मांग में सिंदूर डाला जा रहा है, तब भी नाबालिग का विरोध करते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर तेज वायरल हुआ वीडियो के अनुसार लड़की रोते हुए कह रही है कि वह जानती है कि ऐसी शादी होगी तो वह बाजार नहीं आती। इस पर बगल में बैठी महिला उसे फटकारते हुए चुप रहने के लिए कह रही है, लेकिन वहां पर मौजूद पुरोहितों और नाबालिग के माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। किसी द्वारा यह पूछे जाने पर कि दूल्हा पसंद है, वह कहती है खास पसंद है, बूढ़ा है। बताया जा रहा है कि 60 साल का दूल्हा समस्तीपुर जिले के रोसड़ा का रहने वाला है, जबकि लड़की का पिता दो बार अपने पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ चुका है। इसके बावजूद बेटी का बेमेल विवाह कराए जाने से लोग आश्चर्यचकित है। इस बेमेल शादी के स्थानीय लोग भी निंदा कर रहे हैं। वही कुशेश्वर स्थान प्रखंड के मधुबन पंचायत के मुखिया अविनाश कुमार आजाद ने इस बेमेल विवाह की पुष्टि करते हुए कहा कि यह शादी गुपचुप तरीके से की गई है, इसकी भनक ग्रामीणों को नहीं लगने दी गई। हालांकि कुशेश्वर स्थान थाना की पुलिस ने इस बेमेल शादी की जानकारी से इनकार किया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि अगर इस बात की शिकायत मिलती है तो इस शादी में शामिल सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।